हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों ने 6.4 पूरी कंप्लीट कर ली थी। ओके, जो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिए थे, बाकी सारे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा दिए थे, जो एक्सरसाइज करने से पहले वीडियो डाली थी। सो नाउ न्यू टॉपिक इज पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमेशा याद रखो कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है हमेशा। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ओके, अब उसमें क्या क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। व्हाट इज बेस? बेस वो चीज होती है जिसके ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल खड़ा है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो ये लंबी वाली लाइन होती है। एंड हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है, जैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, स्लैंटिंग लाइन, और जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड है वो होगी हाइपोटेन्यूस। तो ये बचा क्या, परपेंडिकुलर। ओके, हम इस परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी बी और एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक है। मतलब P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं इन अ शॉर्ट फॉर्म। ओके, अब यहां तक तो हमने समझा कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या। आई होप आप सब लोगों को स्क्वायर करना आता होगा। स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि 2 का स्क्वायर हो गया क्या, 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर हो गया क्या, 3 इंटू 3 9, उसके बाद ऐसे ही 5 का स्क्वायर हो गया, 5 इंटू 5 25, 15 का स्क्वायर हो गया, 15 इंटू 15 225, 16 का स्क्वायर हो गया, 16 इंटू 16 256। ओके, तो ये होते हैं स्क्वायर्स, मतलब कि उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना दोबारा, उसको हम बोलते हैं स्क्वायरिंग करना। ओके, आई होप कि आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल की बात करेंगे बाद में, बट जरूरी नहीं है, देखो कि जैसे मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल फिगर बना रखी है, जरूरी नहीं है कि आपको पेपर में ऐसी ही फिगर आए। हो सकता है कि आपको पेपर में ऐसी फिगर आ जाए। अब इसमें क्या है, ये तो हाइपोटेन्यूस है, ये 90 डिग्री है, राइट। अब आप लोगों की मर्जी है कि आप इसको बेस लेना चाहते हो, इसको परपेंडिकुलर लेना चाहते हो, ठीक है। वैसे तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर ही होगा, बट कुछ लोग क्या करते हैं, भाई इसको ऐसे देखो तो ये भी बेस है और ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर इस केस में आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसमें तो स्पेसिफिक था कि बेस आपको यही लेना है, बट यहाँ पे इट्स योर चॉइस कि आपको क्या लेना है, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्या चीज परपेंडिकुलर ले रहे हो और क्या चीज बेस ले रहे हो, ताकि आपके टीचर को क्लियर रहे कि व्हाट आर यू डूइंग इन अ क्वेश्चन। ओके, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखो, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ओके, अब ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर। अब पी का स्क्वायर क्या है, ए बी दे रखा है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया कि पहले प्रॉपर्टी हमने लगाई और उसके बाद हमने साइड्स लिख दी कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूस क्या है अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल। ओके, तो इसको आप वैसे बॉक्स में भी लिख सकते हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. अब ए भी आप लोगों को क्या दे रखा है, 12 दे रखा है प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी. ए सी आपको क्या दे रखा है, 13 दे रखा है. ठीक है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 प्लस बी सी. 12 का स्क्वायर मतलब हमने यहाँ पे क्या करा है, 12 × 12 पर है. अब यहाँ पे जैसे हम 13 × 13 करेंगे तो 169. स्टूडेंट्स जैसे कि मुझे तो स्क्वायर्स याद है, ठीक है, तो मैं ऐसे आराम से लिख दे रही हूँ. आप लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हो और बहुत अच्छा रहेगा कि आपका एट्थ में पूरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, तो आप स्क्वायर्स भी लर्न कर सकते हो. वो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा आगे तक के लिए, ठीक है. बट अगर कोई नहीं चाहता है कि हाँ भाई स्क्वायर याद करें, इतनी मेहनत करें, तो वो कैलकुलेशन करके नॉर्मली 12 × 12 13 × 13 करके कर सकता है. अभी पर आपने देखा कि जैसे कि 12 × 12 में करती अगर तो मुझे कितना टाइम लगता, बट अब मुझे इसका स्क्वायर याद है 12 का, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 144. ठीक है, तो इससे कैलकुलेशन पे फर्क पड़ता है कि हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है और प्लस हमारा टाइम बहुत ज्यादा बचता है पेपर में. ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि यहाँ हमें बीसी फाइंड आउट करना है, तो हमें सारा कॉन्स्टेंट इधर लेके जाना पड़ेगा. यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. ठीक है, माइनस का हो जाएगा 169 माइनस 144 25 बीसी का स्क्वायर. अब देखो आई होप आप में से कुछ बच्चों को ही बस ये स्क्वायर रूट वगैरह निकालना आता होगा. अब यहाँ पे क्या है कि हमें चाहिए सिर्फ BC, पर ये किसकी वैल्यू आ रही है, BC के स्क्वायर की वैल्यू आ रही है. हमने क्या देखा, हमें स्क्वायर निकालने के लिए 12 × 12 करना पड़ेगा, राइट. तो हम क्या करते हैं, देखो जैसे कि BC is equals to 20 √25. ये जो 2 होता है इधर जाके, जो स्क्वायर होता है इस साइड पे, वो उधर जाके क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है. और अंडर रूट में वैल्यूज कैसे बाहर निकलती हैं, जैसे कि हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 हम लिख सकते हैं 25 को, है ना. उसके बाद ये पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा, ओके. सेंटीमीटर वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन कुछ दे नहीं रखा है. तो BC इक्वल्स टू 5, ओके. अब ये तो एक अंडर रूट वाला तरीका है कि भाई हम ऐसे पेयरिंग करके एक चीज को बाहर निकाल दें. बट इसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, ये देखो. मान लो कि तुम्हें BC का स्क्वायर दे रखा है 25, तो तुम BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि जो 25 होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, राइट. तो 5 का स्क्वायर इज 25. अब इसको कंपेयर कर दो इसे बोथ साइड से, तो क्या निकल गया, BC इज इक्वल्स टू 5. तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो. और ये हमेशा से ही एक ट्रिपलेट बनता है, 5, 12 and 13. ये हमेशा से ही एक ट्रिपलेट बनता है, मतलब कि एक पाइथागोरस थ्योरम को सैटिस्फाई करता है. 13 इज हाइपोटेन्यूस, जो बिगेस्ट साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी. जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 इज हाइपोटेन्यूस, 12 इज परपेंडिकुलर एंड बेस इज 5. ये हमेशा से एक बेसिक एग्जाम्पल है पाइथागोरस थ्योरम का, जो कोई भी टीचर पाइथागोरस थ्योरम को एक्सप्लेन करते हुए देखते हैं, ठीक है. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट. अब आपकी जो एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है. अब आप लोगों को मान लो कि तीनों साइड्स दे रखी हैं, जैसे कि मान लो कि अगर आपको यहाँ पे दे रखी होती 12, 13 and 5, तो आप 5 and 12 में से किसी को भी परपेंडिकुलर एंड बेस ले सकते थे, बट 13 आपको हाइपोटेन्यूस ही लेनी पड़ती, क्योंकि हाइपोटेन्यूस इज द बिगेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल, ओके. अब आपको चेक करना है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप कैसे करोगे, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर
इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169 144 प्लस 25 169 इक्वल्स टू 169। तो यस, बट अगर यहीं पे ये चीज अगर अनइक्वल हो जाती तो आंसर नो हो जाता। समझ में आया मैं कहने का मतलब क्या है? कि अगर आपको कोई भी चेक करना हो तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हो, अगर इक्वल आया तो हाँ भाई ये पाइथागोरस थ्योरम शो करता है, बट अगर नहीं आया तो ऑब्वियसली ये शो नहीं करता। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बस आपको ऐसी ही कोई भी एक साइड मिसिंग दी हुई होगी, आपको वो एक साइड निकालनी है बिल्कुल इसी मेथड से। ठीक है, और आपको ये जस्टिफाई करने के लिए पूछा हुआ होगा कि मतलब वेरीफाई करो कि ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल पे, राइट एंगल ट्राइंगल इससे बनेगा या नहीं बनेगा, एक वैसे टाइप के क्वेश्चन होंगे। बस एक क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में ऐसा है, वो ट्री वाला, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा, बट अगर आपको कोई भी डाउट है स्पेशली यहाँ पे इस पोर्शन में कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग क्या करो कि कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कर सकते हो। तो मैं आप लोगों का ये जो है इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि आप लोग इसको कैसे कंपेयर वम्पेयर कर सकते हो, या फिर अंडर रूट सिखा दूंगी। ओके, ताकि आप लोगों को ना प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे बहुत बच्चे फंसते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आप लोग कॉमेंट कर देना और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। और इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि ये जो बी सी स्क्वायर निकला है 25, ये ही बी सी की वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि ये बी सी के स्क्वायर की वैल्यू निकली है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि भाई वो इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ठीक है बी सी का स्क्वायर इज इक्वल 25, तो जो बी सी की वैल्यू है वो भी 25 है। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि BC के स्क्वायर की वैल्यू 25 निकली है, बट हमें क्या निकालना है, हमें BC निकालना है जिसकी वैल्यू क्या है, सिर्फ 5 है। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। और अगर आपको इस पोर्शन में, वैसे तो आपको कोई डाउट आएगा नहीं पूरे में, बट अगर आपको इस पोर्शन में कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।